लकड़ी की चोट भूली जाती है मित्रों, लेकिन शब्दों की चोट कभी नहीं भूली जाती। इसलिए किसी के लिए कर्कश वाणी का इस्तेमाल मत करो। साभार संतवाणी पुस्तक से बच्चों की मुस्कुराहट मिटा देती है सारी थकान। ऋतुपर्णा ने अपने शादीशुदा रिश्ते के बारे में बात करते हुए वह कहती है कि मेरी और मेरे पति की हर विषय पर अलग राय है और यही कारण है कि हमारे झगड़े भी खूब होते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की आदत पड़ चुकी है। जबकि मैं उतनी भावनात्मक हूँ, बचकानी हूँ। संजय कहते हैं कि मैं बच्चा हूँ जो कभी बड़ा नहीं होगा। मेरे पति काफ़ी सुलझे हुए हैं और वो ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दोनों की चाहत एक दूसरे के लिए बनी हुई है। वह बताती है कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे समझने और सहजने की ज़रूरत होती है। हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए हजारों मील का सफ़र करते हैं। पिछले साल शादी की सालगिरह पर संजय चाहते थे कि हम दोनों साथ रहें। मैं कोलकाता से और संजय सिंगापुर से चले और हम बैंकॉक में मिले। सुख सारण हरि मुक्त मुख दियो शीश पे हाथ, बाई देवर टालिया हड़की लागे बात। स्कूलों में पोस्को कानून की जानकारी के लिए अभियान की शुरुआत। बच्चे निर्भीक होकर अपनी बात शिक्षक और अभिभावकों से कहे। एडीएम अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर दक्षिण हरि सिंह मीणा ने कहा कि बच्चों को अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में शिक्षकों के साथ ही अभिभावकों को निर्भीक होकर जानकारी देनी चाहिए, जिससे समय पर घटनाओं की रोकथाम की जा सके। बाल यौनाचार और उत्पीड़न की रोकथाम के लिए स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में जानकारी देने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान की शुरुआत जरूरी। अभियान की शुरुआत में मालवीय नगर सेक्टर 2 स्थित राजकीय गर्ल्स स्कूल में सोमवार को प्रार्थना सभा में बालिकाओं को पोस्को कानून के प्रावधानों व क्रियान्वयन तथा बचाव के उपायों के संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम मीना ने कहा कि उनके साथ किसी भी तरह की उत्पीड़न की घटना होने पर वे अपने विद्यालय के प्राचार्य को शिक्षकों एवं अभिभावकों को निर्भीक होकर अवश्य रूप से बताएं। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब प्रिय मित्रों।